मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 बेटी के नाम। इसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। ठीक है, जब वो नैनी जेल में थे तो उन्होंने कई पत्र लिखे, जिसमें से एक या चिट्ठी या पत्र उनका प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इसको क्या है, इसमें संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन का परिचय देते हुए बड़े होकर भारत माता की सेवा करने की प्रेरणा उन्होंने अपनी बेटी को दी है। ठीक है, कि उन्हें जीवन में भयमुक्त होकर सर्वोत्तम उपाय भी बताए हैं कि कैसे हम भयमुक्त होकर अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस पत्र को स्टार्ट करते हैं नैनी जेल से। ठीक है, हमने बताया ना पत्र ऊपर से लिखते हैं, नैनी जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम भी उसी तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते हैं। वे अपनी प्रतिदिन की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। क्या होते हैं, हम लोग अपनी ही चिंताओं में फंसे रहते हैं, परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर आता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगना। ठीक है, कभी कभी जैसे रानी लक्ष्मीबाई देख लीजिए, है ना, एक सिंपल सी लेडी कैसे ही युद्ध में कूद जाती है। हमारी इंदिरा गांधी, है ना, आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। बापू किसके लिए बोले हैं? गांधी जी के लिए। ठीक है, मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं कि अब इस आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हम इसमें किस तरह भाग ले, परंतु जो कुछ भी हम करें हमें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में भी पड़ जाते हैं कि हमें क्या करें क्या ना करें। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग खुद नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह निश्चय करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी ऐसी उलझन हो तब सही निर्णय पर पहुंचने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। वो अपनी बेटी को उपाय बताते हैं। क्या? तुम ऐसा कोई भी काम न करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तब होती है जब कोई गलत काम किया जा रहा हो। बहादुर बनो, है ना, ये देखिए ये पत्र है ना अपनी ये बेटी को, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे
करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह मालूम ही है कि बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। सभी काम सबके सामने और सामूहिक रूप से किए जाते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। अब क्या है, वो अपनी बेटी से विदा लेते हैं। भारत की सेवा के लिए तुम वीरांगना बनो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें अपने भारत देश के लिए अब काम करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे हमारे देश को हानि हो। काम गलत कैसे होते हैं, जब हमें उसको छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमने कुछ गलत किया है। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको उसको छिपाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तो वो यही कहते हैं कि हमेशा सही काम करो, और क्या एक बहुत ही ताकतवर व्यक्ति बनो। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आप लोगों को आज पढ़ना है। ओके, गुड बाय।